करता है यूजर और मशीन के बीच में। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे काम करता है बैकग्राउंड में, जब भी आप कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं, कोई एप्लीकेशन चला रहे हो तो भी ये ऑन रहता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो चीज ऑन रहती है हमेशा, और जो कभी कभी ऑन होती है, इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो चीज हमेशा ऑन रहती है उसी को कर्नल कहते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग द प्रोसेसर एक बात हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन हो गया, प्रॉपर शेड्यूलिंग डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस ये दूसरा वर्क हो गया। तीसरा वर्क है कोऑर्डिनेटिंग इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट प्रोसेस। एक मिनट, इसको प्रोसेस कर लिया जाए यहाँ पे, ये प्रोसेस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो डिफरेंट प्रोसेस और इंटर प्रोसेस जो चल रहे हैं कंप्यूटर में, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ मेमोरी आपको चेक करते रहना है आपको, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई इंटरप्ट तो जनरेट नहीं हो रहा, किसी चीज को आउटपुट पे भेजना है, डेटा फाइल्स को कहाँ से लेकर के कहाँ पे जाना है, या कहाँ से डेटा फाइल ली जा रही है, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि कोई सेंसर आपने कनेक्ट कर रखा है। अगर एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारे सेंसर कनेक्टेड होंगे, तो उन सेंसर से डेटा फाइल्स को कनेक्ट लेना, फिर उनको एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कराना, तो ये सब पूरा एंटायर एम्बेडेड सिस्टम का वर्क है। पर वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म एंड इनपुटेड एट द मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर, देन द होल प्रोसेस इज नाउ कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्सेस कंट्रोल करना, उनको प्रोटेक्ट करना, सिस्टम की इंटीग्रिटी को बनाए रखना, एरर रिकवरी करना, एंड द मेजर थिंग इज प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू द यूजर्स। तो ये सारे प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कुछ ऐसे भी हम लोगों ने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था जहाँ पे OS यूज होते हैं, तो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्ट टीवी जो आजकल आ रहे हैं, वीडियो गेम्स हैं, टेलरिंग मशीन्स जो हैं, ATM, टिकट वेंडिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे OS के बगैर काम नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम नहीं यूज करते, ऐसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, तो स्पीड मीटर्स, डिजिटल वॉच, माइक्रोवेव ओवंस, वॉशिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डेडिकेटेड आपने एक प्रोग्राम यूज कर रखा है, वो प्रोग्राम जो है वो उसको कंट्रोल करता है, ऑपरेट कराता है। कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, या उसका मेजर फोकस जो है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का किस एरिया में होना चाहिए, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट OS का ही पार्ट है, सेगमेंटेशन करना, तो डिस्क सेगमेंटेशन करना, फ्रेगमेंटेशन करना, ये सारा कुछ जो है वो OS के थ्रू होता है। IO डिवाइसेस को मैनेज करना, किसको आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो BIOS में जा करके प्रायोरिटी मैनेज करना, फाइल सिस्टम को किस तरह से आप कोई फाइल सिस्टम को डिफाइन करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे डिफरेंट यूजर्स के बीच में, नेटवर्क को कैसे मैनेज करेंगे अगर कई सारे नेटवर्क्स हैं तो, कौन से नेटवर्क सर्विसेज को यूज करना है, एंड फाइनली द यूजर इंटरफेस को कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की तो तीन तरह के हैं, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद में सक्षम है, खुद में कैपेबल है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जहां कई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहे हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके किसी एम्बेडेड सिस्टम या किसी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना है तो वहां पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे डेडिकेटेड आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोडक्ट के लिए यूज किया हुआ है। स्टैंड अलोन की बात करें तो ज्यादातर जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं जैसे DOS, Windows, MacOS, OS जो है, ये सारे स्टैंड अलोन है। Itself they are well capable to do many of the tasks. Desktop operating system में अगर देखें तो operating system जो है
वो विंडोज मैक और लिनक्स मेनली हम लोगों ने अभी तक इसको देखा है, यूज करते हुए भी देखा है, खुद भी यूज किया है। इन तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी ना कभी ज्यादातर जो है वो विंडोज पे काम करते हैं, पर ये तीनों ही कहीं ना कहीं तो देखा ही है, कभी ना कभी तो यूज किया ही है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात अगर करें तो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हम लोगों ने जो बात की कि कई नेटवर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसी सर्वर पे होता है और उसको हम यूज करते हैं फॉर आर पर्पज। तो इसमें जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो है विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स का कुछ वर्जन है, सोलारिस। तो ये बेसिकली जब आप प्रोग्राम एज ए डेवलपर कहीं जाएंगे जॉब के लिए तो फिर ये प्लेटफॉर्म ज्यादातर यूज होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है। तो जरूरी नहीं होता कि आप सारे सिस्टम को अपने सारे ओएस को अपने ही सिस्टम पे इंस्टॉल करें, आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नेट के थ्रू यूज कर लेते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे डिवाइसेस जब छोटी होने लगी, उनकी साइज छोटी होने लगी, तो डेडिकेटेड पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होने लगी उन एप्लीकेशंस के लिए। तो वैसे एप्लीकेशन के लिए जैसे हैंडहेल्ड या पॉम टाइप कंप्यूटर है, तो वहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए ही बना दिए गए। विंडोज सी, पॉकेट पीसी, पाम ओएस, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो इनके लिए डेवलप किए गए। फिर उसके बाद बात आई कि आरटीओएस। तो हम लोगों ने आरटीओएस के बारे में जब बात की तो यहाँ से शुरू किया कि आरटीओएस है क्या। तो पहले तो आरटीओएस में रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है, इसको जानने का प्रयास किया कि रियल टाइम मतलब क्या है। सिस्टम इज सेड टू बी रियल रियल टाइम इफ इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वर्क एंड डिलीवर इट्स सर्विसेज ऑन टाइम। मींस हियर द टाइम इज द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट विच हैज टू बी फॉलोड, अदरवाइज इफ देयर इज डिले एंड द वर्क इज नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन देन देयर मे बी अ कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर टेक प्लेस बिकॉज द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच एप्लीकेशन। जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, ब्रेक्स को लगना है, गियर्स को ओपन होना है, नहीं ओपन हुआ तो फिर वहाँ पे कंप्लीट जो है उस पूरे सिस्टम पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। मिसाइल लॉन्चिंग है, अगर आपने पर्टिकुलर उस टाइम पे मिसाइल लॉन्च नहीं की तो कहीं टारगेट किसी कहीं का कहीं और पहुंच जाएगा तो टोटल डिजास्टर हो सकता। नॉन एग्जांपल पार्ट में देखें तो पीसी सिस्टम की वर्किंग है जहां पे टाइम कंस्टेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि आरटीओएस और ओएस में बेसिकली अगर डिफरेंस अगर देखा जाए, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो चीज दिखती है वो ये दिखती है टाइमिंग बिहेवियर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीड फॉर डिटर्मिनिस्टिक। एक तो इसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल आप अश्योर्ड होने चाहिए कि ये काम ये करेगा, और दूसरा अश्योरेंस ये मिलना चाहिए कि इतने समय में करेगा। तो इन काम को करना है, उन काम के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए आपके एम्बेडेड सिस्टम की। और दूसरा पर्टिकुलर जो टाइम है उस टाइम में होना चाहिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए, नॉन रियल टाइम ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नॉन रियल टाइम अप्रोच ओएस में तो चल जाएगा लेकिन आरटीओएस में नहीं चलेगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफन यूजेस इन एम्बेडेड सॉल्यूशंस दैट इज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स दैट आर विद इन अनदर डिवाइस, व्हाइल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर टिपिकली डिजाइन फॉर एंड यूज विद एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि एम्बेडेड सिस्टम में जब हम रियल टाइम डेटा को यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस जो होनी है वो रियल टाइम में होनी है, यानी कि वंस द डेटा इज इनपुटेड देन द फंक्शंस फॉर विच द डेटा इज टेकन
and the intended function for which an embedded system is designed has to perform it within that time duration. Lag in time leads to a disaster. अब दो तरह के रियल टाइम सिस्टम होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम. एक चीज इसके पहले और थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, एक और डायग्राम दिखा दूं आप लोग को, जिससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी. अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, ये एक रियल सिस्टम है जो यूज होता है आपके लैपटॉप या पीसी में. इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर, जब आप कोई मशीन लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं, पीसी लेके आते हैं, और उसमें कोई ओएस नहीं है, तो यूजर जो है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर एन जो लिखा हुआ है, वो इस कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कर पाने में सक्षम नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके बीच में ये दो लेयर्स जो आपको दिख रही है, दिख रहा है आप लोग को ये स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है. हाँ, तो इसमें ये जो यूजर है, ये इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं किया. अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको समझ में आ गया कि आपने विंडोज 8 डाल दिया, विंडोज 10 डाल दिया, विंडोज 7 डाल दिया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल दिया. ये जो दूसरा लेयर है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये कौन सा लेयर है? ये कौन से एप्लीकेशन है? यानी ये कौन से प्रोग्राम है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा चाहिए होते हैं? तो हम लोग को एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम चाहिए होते हैं. जैसे आप विंडोज करने इंस्टॉल करने के बाद फिर ऑफिस भी इंस्टॉल करते हैं, एमएस ऑफिस के डिफरेंट वर्जन हैं, आप वो इंस्टॉल करते हैं, पीडीएफ रीडर्स आप डिफरेंट फिर इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, एंटीवायरसेस आप इंस्टॉल करते हैं. ये वो प्रोग्राम्स हैं जो इंस्टॉल करता है यूजर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो गया, दूसरा फिर उसके ऊपर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन जाकर के यूजर जो है वो उस कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज कर पाता है. तो ये तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह का इंटायर सेटअप. अब हम लोग बात कर रहे थे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कहा कि दो तरह के होते हैं. पहला होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. अब ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या है? कि हम लोगों ने इतना तो जाना कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम. इट मींस कि ये जो हार्डनेस या सॉफ्टनेस जो ये डील की जा रही है, ये जो वर्ड यूज हो रहा है, देन सर्टेनली इट इज रिलेटेड विद द टाइम. Now in hard real-time system, failure to meet deadline is fatal. यानी कि अगर deadline जो दी गई है, उस deadline में कोई function perform नहीं हुआ, उसमें failure हो गया, तो ये फिर एक fatal है. यानी कि ये फिर ना कोई entire system के लिए, उस complete environment के लिए जिसमें वो work कर रहा है, और उसको भी जो उसको operate करा रहा है user, उसके लिए भी ये खतरनाक है.
तो ऐसा एग्जाम्पल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में हमने देखा, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जहां पे रियल थ्रेट है लाइफ को भी और प्रोडक्ट को भी। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या है कि लेट कंप्लीशन ऑफ जॉब इज अनडिजायरेबल बट नॉट फैटल। अनडिजायरेबल तो वहां भी है कि आप उस काम को परफॉर्म करें उसी टाइम में, ये डिजायरेबिलिटी तो है ही, बट अगर नहीं होता है उस टाइम ड्यूरेशन में तो ये फैटल नहीं होगा, ये घातक नहीं होगा, ये किसी की जान नहीं ले लेगा, नौकरी चली जाएगी, इतना हो सकता है। सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज मोर एंड मोर जॉब्स मिस डेडलाइंस। तो आजकल जितने भी प्राइवेट कंसर्न है ना, वहां पे वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को डेडलाइन दे के रखते हैं प्रोजेक्ट का। तो जैसे भी जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, होता क्या है कि मंडे को मीटिंग होती है सबकी, जूम पे काम अलॉटेड हो जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट जो है मैनेजर वो काम असाइन करने के बाद डेडलाइन दे देता है, ठीक है सैटरडे तक हमको ये वर्क होना चाहिए, उसके बाद वो आपको देखने वेखने नहीं जाता कि क्या कर रहे हैं आप, वो फिर सैटरडे तक का वेट करता है। सैटरडे जिस टाइम पे कहा गया उस टाइम पे वो रिपोर्ट आपसे मांगेगा, अगर वो रिपोर्ट आपने दे दी ठीक है, नहीं दी तो यही सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। अनडिजायरेबल तो वो है ही, फैटल सिर्फ इतना नहीं होगा कि आपकी जान पे तो नहीं आएगी लेकिन पिंक स्लिप तो मिल ही सकती है, टर्मिनेशन तो हो ही सकता है, क्योंकि वो अनडिजायरेबल तो है ही, तो वो भी एक रियल टाइम सॉफ्ट सिस्टम हो गया। सिस्टम परफॉर्मेंस उस कंडीशन में डिग्रेड होती है एज मोर एंड मोर जॉब्स मिस डेडलाइन, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई अगर आप किसी सिस्टम के पार्ट हैं और आप अपने फंक्शंस को रियल टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, आप ज्यादा समय ले रहे हैं, तो आपसे जुड़ा हुआ जो अगला स्टेप है, अगला चरण है उसका पूरा होने का, वो फिर वो भी हैम्पर होता है। तो मोर एंड मोर जॉब्स मिस डेडलाइंस, तो कंप्लीटली उस सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। तो ऑनलाइन डेटाबेस है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पे इस तरह का यूज होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ आरटीओस कर्नल्स बिफोर मूविंग टू आरटीओएस, कर्नल क्या होते हैं तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन को मिनिमाइज करके मैं एक दूसरी स्क्रीन ओपन करता हूं आपके लिए तो ज्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना।
कर्नल वाली ओपन नहीं हो रही है। चलिए फिर हम ऐसे ही बता देते हैं। कर्नल जो है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट में होता है, एक होता है कर्नल और दूसरा होता है सेल, SHELL। तो कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो बैकग्राउंड में हमेशा ऑपरेट रहता है। यानी कि जैसे मैं अभी ये स्क्रीन ऑपरेट कर रहा हूँ, पावर पॉइंट ओपन है, तो ये पावर पॉइंट ओपन है यानी ऑफिस का कोई एक सॉफ्टवेयर को कोई पैकेज मैं यहाँ पे ऑपरेट करा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि विंडोज कहीं ऑपरेट नहीं हो रहा, विंडोज बैकग्राउंड में इसके चल रहा है। विंडोज का वो पार्ट जो बैकग्राउंड में इसको चला रहा है दैट इज कर्नल, और दूसरा होता है सेल। तो सेल जो है वो हमेशा ऑपरेट नहीं होता, वो टाइम टू टाइम उसको ऑपरेट होना होता है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट हैं, कर्नल और सेल। RTUS के केस में कर्नल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग कर्नल की जब डिटेल अभी बात करेंगे आगे कि कर्नल में क्या चीज है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाया गया तो दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया कर्नल दूसरा सेल, तो कर्नल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, सेल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कर्नल प्रोग्रामिंग कैसे की जाए कि वो थ्रू आउट, यानी मशीन एक बार ऑन हुई तो उसके बाद से वंस इट इज बूटेड, एक बार बूटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिर वो चलना ही चलना है थ्रू आउट, जब तक कि आप उसको शट डाउन ना कर दीजिए और विंडोज प्रॉपरली क्लोज ना हो जाए, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज ना हो जाए। तो उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो फिर RTUS के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन टू RTUS की बात कर लें, यहाँ पे कर्नल की बात आगे कर लेंगे जब वाली वेबसाइट ओपन होगी, तो अभी नहीं ओपन हो पा रही है। टास्क एंड टास्क स्टेट्स, और टास्क क्या है, RTUS में टास्क एक सिंपल सब रूटीन होगी, यानी कोई भी काम जो RTUS करेगा उसको डिवाइड करेगा टास्क में। टास्क क्या हो सकता है, एक सिंपल सब रूटीन हो सकती है, एक कोई छोटा ऑपरेशन हो सकता है। उस टास्क के स्टेट्स होंगे कि किस स्टेट में पर्टिकुलर अभी वो टास्क है। एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन मेक्स कॉल्स टू द RTUS फंक्शंस टू स्टार्ट टास्क, पासिंग टू द OS स्टार्ट एड्रेस, स्टैक पॉइंटर एटसेट्रा ऑफ द टास्क। जो एम्बेडेड सिस्टम का एप्लीकेशन है, यानी जो जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है उस एम्बेडेड सिस्टम को, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको कोई काम करना है, तो वो जब भी उस काम को परफॉर्म करना है तो RTOS को वो कॉल करेगा, यानी उसको एक सिग्नल सेंड आउट होगा ऑपरेटिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को टू स्टार्ट टास्क। हो सकता है कि उस टास्क में बेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा हो उसकी भी जरूरत हो, उस कंडीशन में स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगी, सब रूटीन की पॉइंटर एड्रेस क्या होगा, ये सारा कुछ जो है वो RTUS को कंट्रोल करना है। तो अब टास्क स्टेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, रनिंग यानी काम हो रहा है, एक्चुअली वर्क कर रहा है, रेडी तो पॉसिबली सस्पेंडेड आर पेंडेड, तो रेडी मीन्स कि एक ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा इंटरप्ट है, एक पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो मेन प्रोसेसर है उसके पास अभी इंटरप्ट पेंडिंग में है, अभी वो काम अभी दूसरा वो कर रहा है, अभी अब इस रिक्वेस्ट को पेंड किया पेंडिंग में रखा गया है जब तक वो अपने पहले वाले रिक्वेस्ट को कंप्लीट ना कर ले, यानी सस्पेंडेड फॉर्म में है। ब्लॉक्ड कर ही नहीं सकता, वेटिंग डॉर्मेंट डिलेड यानी मास्क है इंटरप्ट, वो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जिट यानी कि हो नहीं सकता बिल्कुल ही। शेड्यूलर प्रॉपर शेड्यूलिंग यानी कि रनिंग और रेडी स्टेट की शेड्यूलिंग होनी चाहिए कि कौन सा रनिंग है, कौन सा रेडी स्टेट में है, कौन सा ब्लॉक्ड स्टेट में, किसको रिजेक्ट किया जा चुका है, ये प्रॉपरली जो है डिफाइंड होना चाहिए। ब्लॉकिंग इज सेल्फ ब्लॉकिंग बाय टास्क, ब्लॉकिंग जो है कभी इस तरह क्योंकि कि टास्क खुद ही ब्लॉक कर दे कि ये फंक्शन परफॉर्म हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो ये डिजाइन ही नहीं है, तो टास्क ने इटसेल्फ उसको ब्लॉक कर दिया। एंड मूव टू रनिंग स्टेट वाया अदर टास्क, और दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो चला गया, यानी कि दूसरे टास्क को वो रन करने के लिए मूव ऑन हो गया वहां से। When a task is unblocked with a higher priority over the running task, the scheduler switches context immediately. अगर task unblocked है और higher priority का है, उससे जो अभी running है, यानी जिस task को perform कर रहा है, उसे higher priority का कोई unblocked task आ गया,
तो फिर शेड्यूलर को उस काम को छोड़ना होगा, स्विच करना होगा उस कॉन्टेक्स्ट को इमीडिएटली दूसरा काम के लिए। ये सारा का सारा जो है वो टास्क स्टेट में आएगा इन आरटीओएस के। अगर देखें तो सिंपल रियल टाइम सिस्टम कुछ इस तरह का दिखता है हम लोग। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से कोई एक इनपुट हमको मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एसी लगी हुई है। अब वो एसी जो लगी है उसमें सेंसर लगे हुए हैं, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर सब आपने लगाए हुए हैं। रूम के टेम्परेचर को मेजर करता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से। आफ्टर मेजरिंग दिस वैल्यू सेंसर जो है वो कंट्रोल सिस्टम में, यहाँ सेंसर और एक्चुएटर सिर्फ हो रहे हैं, इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम में प्रोसेसर्स होंगे और भी बहुत सारी चीज होगी। तो वो उस कंट्रोलिंग सिस्टम को यानी उस माइक्रो कंट्रोलर को, उस प्रोसेसर को, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो उसको ऑपरेट कराएगा, जो उस कंट्रोलिंग सिग्नल को जनरेट करेगा, उसको ये सिग्नल पास ऑन कर देते हैं। पास ऑन किस फॉर्म में करेंगे? डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि वो डिजिटल लैंग्वेज उसको समझ में आएगी। यहां से कंट्रोलिंग सिस्टम एक निर्णय लेगा, यानी वो माइक्रो कंट्रोलर या जो कुछ भी आपने लगाया, डिपेंडिंग ऑन द आरटीओएस व्हिच यू हैव यूज्ड, इफ इट इज यूज्ड, और उसके आधार पे जो भी वो डिसीजन लेगा वो एक्चुएटर को सेंड होगा। एक्चुएटर क्या करेगा? कंट्रोल सिस्टम, जिसको कंट्रोल किया जाना है, उस सिस्टम को पास ऑन करेगा कि भैया ठीक है, कंप्रेसर को ऑन करिए, इतना ये जो टेम्परेचर लिमिट आपने बताई है ये बियॉन्ड है, जो आपने लिमिट बनाई है ऑपरेट होने की उसके बियॉन्ड है, यानी कि ऑपरेट करना होगा, कंप्रेसर को ऑन होना होगा, जो टेम्परेचर जोन जो चाहिए इस कमरे के लिए उससे ज्यादा है या कम है डिपेंडिंग ऑन द वेदर, उस कंडीशन में वो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा या और भी जो कुछ भी ऑन होना है। अगर ऑल वेदर एसी है तो हीटर भी ऑन हो जाएगा, अगर कूलिंग कूल बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो। नॉर्मली तुम लोग एसी को यही समझते हैं कि वो ठंडा ही करता है, पर ऑल वेदर एसी में तो दोनों ही प्रोविजन होते हैं। तो जो कुछ भी है बाहर का टेम्परेचर, तो डिपेंडिंग ऑन दैट सेंसर ने एक सिग्नल सेंस किया, कंट्रोलिंग सिस्टम को सेंड आउट किया, कंट्रोलिंग सिस्टम ने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन को फिर इम्प्लीमेंट कराया एक्चुएटर के थ्रू। तो ये तो एक सैंपल रियल टाइम सिस्टम हो गया। अगर कहा जाए कि आरटीओएस के फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है आरटीओएस के, तो उसके मेन फीचर्स हैं शेड्यूलिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग बिटवीन डिफरेंट टास्क, रिसोर्स एलोकेशन, किस एप्लीकेशन को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको आपने कम प्रायोरिटी पे रखा है, किन किन टास्क को आपने कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हो, उससे हायर प्रायोरिटी का इंटरप्ट जनरेट होता है, दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहे हो पर उस टास्क को परफॉर्म करते वक्त आपके रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, तो रिसोर्स एलोकेशन आपको उस तरह से करना है कि रिसोर्सेज की जो है कमी ना होने पाए, खास करके उन फंक्शंस के लिए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखी गई। इंटरप्ट हैंडलिंग, तो इंटरप्ट को आप कैसे हैंडल करेंगे, किन किन इंटरप्ट्स को किन किन प्रायोरिटीज पे रखना है, एक तो वो यूजर डिफाइंड होगा, दूसरा फिर जो है यूजर ने जैसे भी प्रोग्रामिंग की होगी, यानी एम्बेडेड सिस्टम में अगर यूजर डिफाइन करता है कि भैया नहीं मुझे अभी ये काम बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या उस एम्बेडेड सिस्टम में पहले से प्रोग्राम्ड है या नहीं है उस पर्पस के लिए, यानी आप यूजर को भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं क्या कि नहीं दे रहे हैं, कि वो खुद से डिफाइन कर सके कि मुझे कौन सा काम प्रायोरिटी कराना है। तो किसी किसी एम्बेडेड सिस्टम में तो ये प्रायोरिटी रहती है कि यूजर डिफाइन कर ले कि नहीं मेरे लिए तो यही काम इंपॉर्टेंट है, दूसरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और किसी किसी सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड आता है कि नहीं ये काम ये पहले करेगा, इसके बाद ये वाला करेगा, इसके बाद ये वाला करेगा, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। तो ये दोनों ही तरह के एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। अदर इश्यूज लाइक कर्नल साइज, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कितना
एरिया जो है एलोकेट किया हुआ है, कर्नल सिटी कितना जो है अपने सेल के लिए एलोकेट किया हुआ है, ये सारे फीचर्स जो है वो आरटीओएस को देखने होते हैं, समझना होता है। तो इतनी बात आज जो है वो रखी गई, कल हम लोग जो है कर्नल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कर्नल के पढ़े बगैर आगे जाना जो है वो ठीक नहीं है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले हम लोग ये तो जान लें कि कर्नल और सेल होता क्या और काम कैसे करते हैं, तब आरटीओएस की ओर बढ़ेंगे। तो आज वो स्लाइड ओपन नहीं हुई, कल उसको हम फिर से देखेंगे कि कैसे होगा वो। तो आज यहाँ पे ही एंड करते हैं।